आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। हल्द्वानी में लाठी डंडों से युवक के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। न्याय के लिए भटक रहा पिता। टीपी नगर में मारपीट का मामला सामने आया है। यहां एक युवक के दबंगों ने लाठी डंडों से जमकर पिटाई की। पिटाई का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सड़क निर्माण को लेकर भूख हड़ताल पर डटे कोट के ग्रामीण, शासन प्रशासन पर लगाए ये आरोप। उत्तरकाशी अंतर्गत आने वाले कोट गांव के ग्रामीणों की सड़क निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। ग्रामीणों ने सड़क नहीं बनाने तक भूख हड़ताल जारी रखने की बात कही। बारिश से गंगनहर में आए भारी मात्रा में सिल्ट, यूपी सिंचाई विभाग ने बंद की कैनाल। पहाड़ों में लगातार बारिश के बाद गंगनहर में भारी मात्रा में सिल्ट आ गई है, जिस कारण यूपी सिंचाई विभाग ने हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली गंगनहर को बंद कर दिया है। 12.5 फीट लंबे किंग कोबरा ने बढ़ाई दिल की धड़कनें, रेस्क्यू करने वालों के छूटे पसीने। विकासनगर अंतर्गत आने वाले मटक माजरी गांव में 12.5 फीट लंबा किंग कोबरा देखा गया है। किंग कोबरा का रेस्क्यू करते समय वन विभाग की टीम के पसीने छूट गए। बहरहाल किंग कोबरा का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया गया। एसटीएफ ने काशीपुर में नकली शराब फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 25 पेटी माल बरामद, एक माफिया अरेस्ट। नीलधारा गंगा में मिला महिला का शव, शिनाख्त में जुटी पुलिस। लक्सर में भोगपुर गांव के पास नीलधारा गंगा में एक महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी हुई है, लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। देहरादून नगर निगम के इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर से मारपीट, विरोध में कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, कॉलेज छात्रों पर आरोप। देहरादून नगर निगम कर्मचारियों ने मारपीट के विरोध में कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। आरोप के देहरादून के नामी कॉलेज के छात्रों ने निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। मसूरी में मजदूर संघ का प्रदर्शन, शासन प्रशासन के आगे रखी डिमांड, सीएम घेराव की दी चेतावनी। मसूरी में 3 सत्रीय मांगों को लेकर मजदूर संघ ने शहीद स्थल पर उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया। 2 सितंबर तक मांगे पूरी न होने पर सीएम घेराव की चेतावनी दी। गढ़वाल यूनिवर्सिटी की रिसर्चर वैशाली भट्ट यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की हिमालयन एक्वेटिक बायोडायवर्सिटी विभाग की शोध छात्रा वैशाली भट्ट को यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में दवाई बांट कर लौट रहा स्वास्थ्य विभाग का कर्मी, गदेरे में बहा सर्च ऑपरेशन तेज। घर में घुसकर मानसिक रूप से बीमार नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश, मुकदमा दर्ज। डोभाल चौक हत्याकांड के मुख्य आरोपी पर धोखाधड़ी का आरोप, प्लाट बेचने का झांसा देकर ठगे लाखों रुपए। राजधानी देहरादून में धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं देहरादून के चर्चित रवि बडोला की हत्या के मुख्य आरोपी देवेंद्र भारद्वाज पर एक व्यक्ति ने प्लाट बेचने का झांसा देकर ठगी करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर पड़ताल तेज कर दी है। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में बोले सीएम धामी, मिड डे मील योजना को लेकर की बड़ी घोषणा। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन पर सीएम धामी पर वार, राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल। मुख्यमंत्री ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र के वादों पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से 10 सवाल पूछे हैं। SIT की विवेचना अधिकारी की गवाही पूरी, अब 30 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। लागू होगी नई व्यवस्था, नव नियुक्त शिक्षकों को 5 साल दुर्गम में अनिवार्य रूप से देनी होगी सेवा। काउंसलिंग से 6000 शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है, दावा किया 10 सितंबर तक प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाएगा। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विधानसभा में कहा, अब जो शिक्षक नियुक्त होंगे उन्हें 5 साल दुर्गम में अनिवार्य रूप से सेवा देनी होगी। पहले सुगम से दुर्गम के स्थानांतरण पर, फिर दुर्गम से सुगम के स्थानांतरण की व्यवस्था को लेकर विचार किया जाएगा।